बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। गर्ल्स, आज हम आगाज़ करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, ख़ानदान के लिए फ़र्द के फ़राइज़ मनसबी और ज़िम्मेदारियाँ तफसील से बयान करें। गर्ल्स, इसके आंसर के लिए आप आ जाएँ, पेज नंबर 39 है। और ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन आपको पता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा से लिखने के लिए देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले, कल के लिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है? और इसकी रीडिंग करते हैं। ख़ानदान मखसूस किस्म के अफराद पर मरबूत होता है, क्योंकि कायनात में सबसे पहला रिश्ता और ताल्लुक़ इंसान का अपने घर के अफराद से इस्तवार होता है। इसलिए सबसे पहले ख़ानदान के अफराद के रिश्तों का मकाम पहचाना जाता है। अगर घर वालों के से ताल्लुकात दुरुस्त रखेंगे, तब भी बाहर के लोगों से ताल्लुक़ कायम करना आएगा, क्योंकि घर अमल की पहली सीढ़ी है। ख़ानदान में रहते हुए फ़र्द को मदरजा ज़ैल जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए, ठीक है? कल आपने लिखना है कॉपी पर यहाँ से ले कर यहाँ तक, ठीक है? ये हेडिंग भी देनी है आपने, सवाल लिखना है, उसके बाद ये हेडिंग देनी है, फिर कल आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर इंशाल्लाह ताला आपका क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता पूरा करवा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।